दोस्तों, अगर आप भी फिल्म टोटल धमाल का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस फिल्म की रिलीज डेट, नई कास्ट और ये भी कि अब डबल धमाल में संजय दत्त क्यों नहीं है। दरअसल इस फिल्म की कास्ट से पिछली दोनों फिल्मों में काम कर चुके संजय दत्त और आशीष चौधरी का नाम हटा दिया गया है। जहाँ तक बात है इस फिल्म को डबल धमाल का सीक्वल कहने की, तब शायद इसे सीक्वल नहीं कहा जा सकता। ये दोनों ही एक्टर इस फिल्म के लिए काफी जरूरी थे, लेकिन अब ये दोनों ही इस फिल्म में नहीं है, इसलिए फिल्म अब पूरी तरह से अलग होने वाली है। हालांकि इस फिल्म के बाकी तीन एक्टर यानी कि अरशद वारसी, जावेद जाफरी और रितेश देशमुख अभी भी इस फिल्म का हिस्सा है। इस बार इस फिल्म को रोहित शेट्टी स्टाइल में बनाया जा रहा है, जिसकी वजह साफ है क्योंकि इसके निर्माता अजय देवगन है और खुद अजय देवगन इस फिल्म में मुख्य भूमिका में है। इस फिल्म के बाकी नए कलाकारों में अनिल कपूर, बोमन ईरानी, संजय मिश्रा, सुदेश लहरी, माधुरी दीक्षित, ईशा गुप्ता जैसे कलाकार शामिल है। इस फिल्म के को प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इंद्र कुमार ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि ये फिल्म धमाल सीरीज की आखिरी फिल्म होगी, तो बेशक इस फिल्म को हर तरीके से बेहतर किया जाने की उम्मीद है। इस फिल्म का ट्रेलर नवंबर के शुरुआत में सामने आएगा और ये फिल्म 7 दिसंबर को रिलीज होगी।